नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की प्रमुख खास खबरें जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि केजरीवाल ने कई सारे बयान दिए हैं पीएम मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर और सीएम योगी को लेकर। यानी क्या उथल पुथल हो सकती है लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी जीतती है। वहीं पर मसालों के केमिकल को लेकर भी बड़ा खबर सामने आ गया है। म्यूचुअल फंड को लेकर नई जानकारी है। फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। आपको पेंशन कब मिलेगी और साथ ही महिला के पेट से निकला 5 किलो का ट्यूमर। आइए सब कुछ जानते हैं एक एक करके। इन सभी खबरों में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो मसालों में केमिकल विवाद के बीच बोर्ड का बड़ा एक्शन है। अब निर्यातकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मसाला बोर्ड ने भारत के आयात किए जाने वाले उत्पादों में कैंसर जनक केमिकल एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल रोकने के लिए निर्यातकों को गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। कुछ मसाला उत्पादों पर हाल ही में कुछ देशों में गुणवत्ता संबंधी चिंता जाहिर की गई, इसके बाद ये कदम उठाया गया है। गाइडलाइन जान लीजिए। गाइडलाइन के मुताबिक निर्यातकों को मसालों में ETO रसायन के इस्तेमाल से बचना होगा। इसके साथ ही उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, गोदाम, पैकेजिंग सामग्री सप्लायर किसी भी स्तर पर इस रसायन का उपयोग न करे। ऐसी नौबत क्यों आई? गाइडलाइन इसलिए जारी किया गया क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर द्वारा लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये गाइडलाइन जारी किया गया है। ऐसे में इन नियमों से अब मसालों कंपनियों को गुजरना पड़ेगा। तो आइए वेदर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यूपी में बदल गया है मौसम। लखनऊ, नोएडा समेत 62 जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। शुक्रवार को भी आंधी पानी आया हुआ था। ऐसे में 62 जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है। ऐसे में किसान अलर्ट रहे। जिया मौसम विभाग ने इस दौरान अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, धूल भरी आंधी और तेज सतही हवाएं चलने की बातें कही हैं। रविवार को भी आज के दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ऐसा ही मौसम रहेगा। अब इन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। आप अपने जिले का नाम देख सकते हैं। जी हां, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस समेत फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बलिया, मऊ, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा बागपत, बुलंदशहर, फरुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, फिरोजाबाद, आगरा, औरैया, बस्ती, संत कबीर नगर, इन सभी जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश होगी। पीएम मोदी का बड़ा हमला मणिशंकर अय्यर के बयान पर। कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कांग्रेस देश का मन मारती है। पीएम मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में मणिशंकर अय्यर का नाम लिए बगैर उनके बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य से परिचित कराया था। दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। वही सपा वाले राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे लेकिन हमने मंदिर वहीं बनाया। यूपी के कन्नौज में गर्जे हैं योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। जिया समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी माफियाओं और अपराधियों की हितैषी बताई जाती है। अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई पर पाकिस्तान भी खुश हो गया। पूर्व मंत्री ने पीएम मोदी पर ऐसे किया कटाक्ष। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर और तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि एक और लड़ाई में हार हुई है। वही OpenAI और ChatGPT इवेंट हुआ है। नए फीचर की होगी एंट्री। सर्च इंजन के बारे में CEO ऑल्टमैन ने कही है बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, OpenAI ने कंफर्म कर दिया है कि वह 13 मई को ChatGPT इवेंट करने वाला है। कंपनी ने इस इवेंट की जानकारी X पर पोस्ट की है। पोस्ट के अनुसार कंपनी इस इवेंट में ChatGPT और GPT-4 के नए अपडेट के बारे में बताएगा। तो फ्री राशन की डेट आ गई है। जानिए इस महीने में किस तारीख से मिलेगा गेहूं चावल। दोस्तों फ्री राशन वितरण की डेट आ चुकी है। 14 मई से इस बार राशन मिलेगा। 29 मई तक आप ले सकते हैं। फ्री राशन वितरण इस बार थोड़ी देर में शुरू हो रहा है क्योंकि राशन भीग गया था और कई जगहों पे राशन का उठान नहीं हुआ था। आप सतर्क रहिएगा। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आप गीला राशन मत लीजिएगा या फिर नमी युक्त राशन मत लीजिएगा। 21 किलो चावल, 14 किलो गेहूं मिलेगा अंत्योदय कार्ड धारकों को और साथ ही पात्र गृहस्थी वालों को 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूं मिलेगा। वही योगी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर करने जा रही है ये बड़ा काम। 10 करोड़ करेगी खर्च। योगी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन निगम को 10 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। निगम की बसों के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता और प्रचार प्रसार किए जाएंगे, इसका निर्णय लिया गया है। जी हां, परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में 22 अप्रैल से 4 मई के बीच सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया जिसमें बड़े पैमाने पर गतिविधियों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया है। वही वसीयत पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वसीयत पंजीकरण की अनिवार्यता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खत्म कर दिया है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही 2004 का संशोधन कानून भी शून्य करार दे दिया गया है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 169 की उपधारा 3 रद्द कर दी है।
वही स्मृति ईरानी के साथ मंच पर आया गायत्री प्रजापति का परिवार। अमेठी में बीजेपी के लिए मांगे हैं वोट। अमेठी में स्मृति ईरानी के साथ मंच पर गायत्री प्रजापति का परिवार आ गया। सपा की विधायक महाराजी प्रजापति का परिवार भी स्मृति ईरानी के साथ आ गया है, उनके लिए वोट मांगा है। वही चुनाव सही से हुआ तो 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी बीजेपी, अमेठी में बोली है प्रियंका गांधी। जी हां, प्रियंका गांधी ने दावा किया कि यदि लोकसभा चुनाव सही से हो गया तो भाजपा 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले क्या जाने कि अमेठी और रायबरेली से हमारा क्या रिश्ता है। वही केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, अब वे पीएम नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भाजपा से पूछता हूं कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने खुद रूल बनाया है कि भाजपा में जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर किया जाएगा। ऐसे में इस बार नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। वही पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस इस भरोसे में ना रहे कि मुसलमान इधर उधर हो जाएगा। पीएम मोदी ने उड़ीसा के कंधमाल में कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को पार्टी देश के संसद में विपक्ष भी नहीं बन पाएगी। मैं कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा कि वो इस भरोसे में ना रहे कि भारत का कोई मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। जी हां, पीएम ने स्टेज पर पद्मश्री विजेता पूर्णमासी जानी के पैर भी छुए। वही करीना कपूर को एमपी हाईकोर्ट की नोटिस मिल गई है। प्रेगनेंसी बाइबल को तीसरा बच्चा कहा था। करीना कपूर को उनकी किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल के एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। जी हां दोस्तों, करीना कपूर ने 9 अगस्त 2021 को प्रेगनेंसी पर लिखी बुक लॉन्च की थी। उन्होंने इसको अपना तीसरा बच्चा कहा था। वही फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। वही इजरायली राजदूत ने यूएन चार्टर फाड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की असेंबली में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने के बाद इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान भड़क गए। उन्होंने गुस्से में यूएन चार्टर फाड़ते हुए कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। वही आईपीएल में मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर, कोलकाता जीती तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी पहली टीम। जी हां, आईपीएल में 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में मैच हुआ है। केकेआर ने 11 मैच में 8 जीत लिए हैं, 3 हारी है, 16 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पे टॉप पर है। अगर ये मैच जीत जाती है तो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, ये पहली टीम बनेगी। वही मोदी जीते तो योगी को हटा देंगे, अगले साल अमित शाह को बनाएंगे पीएम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल का बड़ा दावा सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। अगर पीएम मोदी ये चुनाव जीत जाते हैं तो 2 महीने में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाएगा। अगले साल 17 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद अमित शाह को पीएम बनाएंगे। दोस्तों, केजरीवाल का बड़ा बयान आया है, अगर चुनाव जीते बीजेपी तो 2 महीने के अंदर यूपी का मुख्यमंत्री बदल देंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ में थे। जी हां, वही सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगले 21 दिन में मैं पूरे देश में घूमूंगा। जब जब किसी तानाशाह ने सत्ता संभालने की कोशिश की है तो देश की जनता ने उसे उखाड़ फेंका है, ऐसा उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 21 दिनों तक पूरे देश में मैं घूमूंगा। भगवंत मान बोले, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बीजेपी का बेड़ा पार होगा। वही इस हफ्ते सोना चांदी में फिर से तेजी रही है। सोना एक बार फिर 73,000 रुपए के पार पहुंच गया। चांदी 3,250 रुपए महंगी हुई है। इस हफ्ते सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में 6 मई को सोना 71,621 रुपए था, लेकिन अब एक बार फिर से 73,008 रुपए पहुंच गया है 10 ग्राम। इसके साथ ही इसकी कीमत 1,387 रुपए बढ़ गई है। वही चांदी की बात करें तो ऑल टाइम हाई पर ये पहुंच गया है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार 80,965 रुपए ये पहले था, लेकिन अब ऑल टाइम हाई है 84,215 रुपए पहुंच गया है। इस बार 3,250 रुपए सोना महंगा हुआ है। वही सरकार बदली तो शेयर बाजार में शार्प करेक्शन आएगा। मोदी सरकार बनने पर डिफेंस स्टॉक में रहेगी तेजी। एक साल में 361% चढ़ा है कोचीन शिपयार्ड। शेयर मार्केट पर यूनियन बजट और चुनाव के नतीजों का बड़ा असर पड़ता है। सभी सरकारें अपने हिसाब से बिजनेस पॉलिसी बनाती हैं, जिस पर डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। इस साल लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित होंगे। वही चुनाव के कारण स्टॉक मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को लेकर प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च हेड अमनीश अग्रवाल ने बात बताई है। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों को चुनाव के चलते क्या कोई खास रणनीति अपनानी चाहिए। वही 15 साल में 5 गुना बढ़ गई है अजय राय की संपत्ति। अतहर जमाल लारी की संपत्ति में 12 साल में हुआ 65 लाख का इजाफा। गठबंधन प्रत्याशी के पास नहीं है असलहा। जी हां, वाराणसी लोकसभा सीट के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय और बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी ने शुक्रवार को नामांकन किया। नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार अजय राय बसपा प्रत्याशी से ज्यादा धनवान है।
वही लखनऊ में सपा के पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव पर लगाया अनदेखी का आरोप, बोले चुनिंदा लोगों को करते हैं सपोर्ट। लखनऊ में सपा बसपा और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल शनिवार को विपक्षी नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे, यहां पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर भी मौजूद रहे हैं। वही दिल्ली में धूल भरी आंधी, 2 लोगों की मौत, 23 घायल, 9 फ्लाइट डाइवर्ट। यूपी राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी चली थी, इससे कई जगहों पर हादसे भी हुए। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में कुल 23 लोगों की जान गई है। आंधी और बारिश का दौर अभी भी जारी रहेगा, 13 से 14 मई तक ऐसे ही अलर्ट बना हुआ है। उत्तराखंड में भी बारिश से 2 लोगों की मौत हुई, बद्रीनाथ और ऋषिकेश हाईवे बंद किया गया है। वही महिला के पेट से निकला 5 किलो का ट्यूमर, 1 साल से बेटे की बीमारी से परेशान थी। हैलेट अस्पताल में 2 घंटे चला है ऑपरेशन। वही राम मंदिर के तर्ज पर अन्य विरासत भी लेना होगा वापस, कानपुर में सीएम योगी बोले एनडी गठबंधन को भारत का ही नहीं पाकिस्तान के हितों की चिंता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।